गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरआर क्लासेस। आरआर क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 9 जुलाई है। 9 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रही पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? यह झील गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में जो झील है वही झील पंचमुली झील है। अब यह झील चर्चे में क्यों है अब हम जान लेते हैं। यह समाचारों में इसलिए है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 194 मगरमच्छों को झील से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने का मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी इसरो ने दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी कक्षाओं का उपयोग स्कूल आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? तो यह चीन का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है। चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। इसने अभी इसका पहला पार्ट भेजा था, इसी पार्ट का नाम तियांगोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? कोयले के उत्पादन में नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? इस कोड की घोषणा भारत द्वारा की गई है। इस कोड को मई 2021 से लागू किया गया है। इसके अनुसार सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायतों के विवरण, की गई कार्रवाई और निगरानी विवरण पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? यह अमेज़ॉन कंपनी के CEO थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। यह अमेज़ॉन के संस्थापक और CEO हैं जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमेज़ॉन की स्थापना 1994 में हुई। अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर सिएटल USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? इस स्मारक को कश्मीर के बारामुल्ला गुलमर्ग में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है? प्लास्टिक पैकेजिंग को फ्लिपकार्ट द्वारा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने पोस्टपेड मिनी सुविधा लॉन्च की है? पोस्टपेड मनी को पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप 250 से 1000 रुपये तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी? इस पेंशन को तेलंगाना की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। अब तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तिमिल साई सौंदर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारत सरकार ने मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को
गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित करेगी? इस यात्रा को आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार आयोजित करेगी। किसानों से संबंधित पहल को जागरूक करने के लिए इस यात्रा को शुरू किया गया है। थैंक यू गाइज़।